आज पहली बार मुझे किसी ने अंकल बोला है भाई। ये तो फुल, अरे रुक जा ओ दिल दीवाना। फाइनल पेनल्टी 4-4-5 बहुत क्योटिक हो जाता है। एक बंदी तो लिटरली रो रही थी, वीडियो याद आ गया भाई गर्दन वाला। ये उसकी टीशर्ट अच्छी पहन रखी यार भाई ने, कैसे मैंने दिखाया ही नहीं कौन है। देखो ब्लैक ऑटो पुलिस पार्ट इसका था भाई, यूनिफॉर्म में एक अलग यूनिफॉर्म में थे ड्राइवर, एंड दिस इज अ गवर्नमेंट व्हीकल, भारत सरकार का ऑटो था। मैं तो फर्स्ट टाइम देखा, सोचा आपको ब्लॉग में भी दिखा दूं। बाय द वे गाड़ी से शुरुआत हो रही है ब्लॉग की, मतलब ट्रैवल ब्लॉग है। हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ, सुकृति हमको ड्रॉप करने आ रही है। सुकृति की ही कृपा है कि हम गाड़ी से जा पा रहे हैं, वरना हमें कैब के नखरे उठाने पड़ रहे थोड़े से। आप खुद ही चला रहे हैं? सुकृति चलाती है, एकदम चिल ड्राइवर है। मैं हूँ थोड़ा SOS सिचुएशन, थोड़ा रैश ड्राइवर। अच्छा, SOS सिचुएशन में चलाने वाला ड्राइवर हूँ मैं, कि आप थोड़ा सा चला लूंगा। अभी हम जा रहे हैं गोवा। गोवा में हमारा एक बहुत इंटरेस्टिंग, जो हम बायर्न म्यूनिख से मिलके आए थे, सिंगापुर में मैच देख के आए थे, बायर्न वर्सेस लिवरपूल, उसका व्लॉग एडिट पे वो भी आ जाएगा। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। लेकिन अभी हम जा रहे हैं गोवा बायर्न म्यूनिख यूथ कप का फाइनल देखने, मैच खेलने का भी मौका मिलेगा। उसके बाद हम वहां से जाएंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देखने, श्रीलंका निकलने वाला था मेरे मुझे। बने रहिएगा ब्लॉग के एंड में, मजा आने वाला है। डीजी यात्रा, जीरो भीड़, जीरो क्यू, 3 सेकंड्स एंट्री, टक टक। ये जो शाम का 6:30 का टाइम होता है, ये बहुत बिजी है। शाम को अगर आप 6:30 की फ्लाइट है, 6 बजे की फ्लाइट है, 7 बजे की भी फ्लाइट है, तो भाई पहले से निकलें, क्योंकि बहुत क्योटिक हो जाता है। एक बंदी तो लिटरली रो रही थी, उसकी इंदौर की फ्लाइट के लिए वो लेट आई, और वेब चेक इन उसने किया ही नहीं था। विस्तार वाला कहते वेब चेक इन किया होता तो मैम हम एंटर भी करवा देते। वो कहती मेरे पास चेक इन लगेज भी नहीं है। उसकी फ्लाइट में कुछ 45 मिनट्स बचे थे, बट वेब चेक इन कर लिया करो यार, 2 क्लिक एंड यू आर चेक्ड इन। और डीजी यात्रा तो है ही, फिर डीजी यात्रा का मैं फैन बनता जा रहा हूँ भाई, मस्त चीज है। लकी टू कैच द सनसेट, ब्यूटीफुल सनसेट। गोवा में मैंने कॉल तो की है, एक कार सेल्फ ड्राइव कार मंगा ली है, क्योंकि गोवा में एयरपोर्ट पे सेल्फ ड्राइव कार आ जाए तो उससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। और आपको ड्राइविंग आती है ऑफ कोर्स। इससे क्या होता है, टैक्सी के भाड़े आई थिंक 1100-1200, आप अगर कालुगुड बागा साइड जा रहे हैं उससे भी आगे जा रहे हैं तो और बढ़ जाए। आई थिंक 1100-1200 नॉर्मल फेयर। तो अगर आप गाड़ी रेंट करते हो तो एक दिन का 1500 रुपये का रेंट होता है, तो वो उतना निकल गया। Look at the sunset. भाई इस समय 5 सितंबर है, 6 सितंबर है सॉरी, इस समय बादल सबसे सुंदर है दिल्ली में। तो अगर आप दिल्ली में तो इस समय एंजॉय कीजिए क्लाउड गैजम। बच्चों को इतने इतने उम्र में आईपैड मिले हुए हैं भाई। ये जो पीछे बच्ची देख रहे, उसके पास भी आईपैड है। जली ना तेरी भी जली ना। अच्छा प्रैंक करता हूँ। कैसे सर? मस्त मजा मिलता है। अरे यार मुझे बहुत लोग मिले गोवा, दिल खुश हो गया दोबारा से वापस आ गए। 5-6 लोग कह रहे जादू वाले भाई, जादू वाले भाई। खाना खा रहे थे, अब खा लो यार। नहीं नहीं मैं खा लिया, जादू वाला भाई। अरे देख रहे हो, नए एपिसोड आए हैं यूट्यूब पे, देखना। नए आए हैं तो पिछले हफ्ते 2 निकाले। एयरपोर्ट से मैं गया विला में, विला की हालत देख के फिर हम गए होटल में, लेट सोए और अगले दिन की शुरुआत भी थोड़ा लेट हुई। निक भी आ गया हमारे साथ, निक भी ज्वाइन कर लिया है। प्रथम भी आ गए, प्रथम में ही बैठे। और ये शाम है, अगर आपको दिख नहीं रहे तो भाई शाम तो की लीला ही न्यारी है। अभी जन्माष्टमी, आप सबको जन्माष्टमी। ओम हेलो, मैं को देख दोनों के। वीडियो याद आ गया भाई गर्दन वाला। ये उसने टीशर्ट अच्छी पहन रखी यार भाई ने, कैसी? मैंने दिखाया ही नहीं कौन है। वी हैव रीच्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम साउथ गोवा में, और यहाँ पे FC बायर्न यूथ कप के फाइनल है। लेजेंड कौन आया हुआ है? हांस कुलगर। भाई मेरी वर्ल्ड कप विनर, जबान इतनी है ही नहीं, फ्लेक्सिबल क्या है बोल रहा है। हांस कुलगर, हांस कुलगर आए हुए हैं। टाउन इज आल्सो हियर। What are you excited about? Nick, Nick 250 रुपए कट गए हैं, वो कस्टमर केयर में बात कर रहा है, रिचार्ज नहीं हुआ उसका। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। ये कूल डाउन हो रहे हैं, स्वेट की स्मेल तो यही बता रही है। भाई साहब क्या ग्राउंड है। Yeah, this will go after that. Oh my god. Thank you so much. Whoa! Oh, what color, man? This is the OG FC Bayern logo, the old one. आज पहली बार मुझे किसी ने अंकल बोला है। क्या सोच के तुमने अंकल? एक ही तो बाल सफेद है बस, इधर का।
मुझसे निकल गया। हाँ ये इनके साथ भी लो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम निशेक सुबह। क्या है? निशेक निशेक एंड किशन एंड रहीम आपका भी फैन। रोहन थैंक यू भाई। आयुष भाई ओके क्या खेलते हो आप लोग? कौन सा पोजीशन खेलते हो? स्ट्राइकर हो तुम है? और डिफेंस। अच्छा आप? राइट विंगर। अच्छा एंड आप? डिफेंडर हैं भाई। डिफेंडर चाहिए यार, जरूरत है ज्यादा। साइकर सब बनना चाहते हैं ना, इट्स लाइक बैटिंग एंड बॉलिंग राइट? सब बैट्समैन बनना चाहते हैं। यस ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हम लोगों ने सेम इजी स्लाइडर्स पे। चीयर्स भाई। ये थिंकिंग गिविंग अ बाइट। दिस विल गो इन द डॉक्यूमेंट्री और ओके। 2 मिनट में मैच है। अभी लंच करके आ रहे हैं। 4-5 रोटी पे इडली तब भी मैंने सिर्फ एक इडली खाई है। हाय हाय क्यूटी पाई। अब इट्स शो योर मेरे को स्पेलिंग देखने। हाँ सही है ठीक है। तो अभी क्या हम हाफ हाफ अलग अलग खेल रहे हैं? होम हाफ होम दोनों जर्सी भी है और सेम कलर के लिए कौन सी टीम पे कौन है? ये देखो ये लॉजिक मरा पड़ा है। एंड अपना हाफ कितना है कुछ आईडिया? 15-5-15 ओके 15 ही। अरे 15 मिनट का हाफ है। 15-5-15 वो भी नहीं खेल पाऊंगा मैं। अबे यार मैं भाई ये तो फुल। अरे रुक जा ओ दिल दिमाग। नेक चेंज कर रहा हूं, कहां आ रहा है तू यार? भाई साहब चेंजिंग रूम एनवायरनमेंट यार, हर किसी का पर्सनलाइज होता है। इट्स अ मेकशिफ्ट वर्जन बट प्रीटी कूल। वी आर ऑल सेट फॉर द गेम। Is our away jersey, I guess. Yes. And बाकी हमने बायन वाले शॉर्ट्स पहने हैं, स्टॉकिंग्स पहने हैं। एंड दिस इज द 11 वर्सेस 11 फील्ड। हमारी टीम में निक इज प्लेइंग फ्रॉम माय साइड, हेमंत हमारी साइड है एंड ओ आवेज इज इन ऑपोजिट एंड श्याम इज नॉट प्लेइंग बट सपोर्टिंग अस। बिलीव मी ये होम जर्सी, ये अवे जर्सी है और वो होम जर्सी है। ओके एंड वी आर हियर, वी हैव आवर लेजेंड हियर। हाय हाय सर, लुकिंग फॉरवर्ड, थैंक यू। कभी समझता नहीं है क्या बोल रहे हैं। मैच्योरिटी पता नहीं कब है। ब्लॉगिंग करना चाहिए, कैमरा से लेके भागना चाहिए। मैं वही करूंगा, मैंने लगा रखा है कैमरा। एंड मैच बड़ा ही इंटरेस्टिंग हुआ। फर्स्ट हाफ 0-0 था। सेकंड हाफ ओपन होते ही माय टीम के एक प्रो प्लेयर ने हाफ लाइन से गोल मारा एंड मैच हम जीत गए। तो ये थी मैच से कुछ बढ़िया बढ़िया फोटोज। फोटोग्राफर भैया क्या काम किया यार। वन द मैच विनिंग थीम। ऐसा ही होता है, जो कोच को जो करना होता है वो कर्तव्य, प्रतिभा, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन सब निभाया। और वो कहा है नेक? सांस भरने गए, सांस भरने गए। लंग्स रिप्लेसमेंट। 11 असाइड भाई, बहुत टाइम बाद। एंड बारिश इन एंड आउट हो रही है। स्कोर्स अ जर्सी बट अ मुजाला जर्सी बट अ साइन मुजाला जर्सी ब्रो। एपिक मोमेंट भाई। पेनल्टी चला गया है एंड 3-3 हो रहा है राइट? नहीं 4-3 हो रहा है। 4-4 हुआ है। 4-3 है। हाँ ये 4-4 होगा। कर हो गया ना, देखो 4-4 हो गया। हाँ रुक जाना, ये वो है पॉल ऑक्टोपस जो आता था फीफा में, पहले से प्रेडिक्ट कर दो। फाइनल पेनल्टी 4-4-5-4-4। अरे मार दिया भाई सडन डेथ। वो ना तेरे को छोड़ेगा। बच्चे यार इतना क्यूट हो रहा है ना इस समय। हेमंत जस्ट हेल्पिंग की मैसेज क्या टाइप करें कि लड़की सम्मोहित हो जाए। एक बार इधर दे तू साले, अपनी तो 2 घंटे की फोन कॉल संभाल ले। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। सुबह से खाली पेट घूमते 4 लड़के निकल गए भोजन की तलाश में और 1.5 घंटे की ड्राइव में पूरे रास्ते हमें ढंग का खाना नहीं मिला एंड होटल पहुंचते ही हमें मिला ये सरप्राइज। मैरियट वाले लोग इतना स्वीट है। मैं रूम में वापस आया तो गोवा की फील की यहाँ पे ड्रिंक्स रखी हुई हैं और यहाँ पे बहुत ही स्वीट नोट लिखे हुए हैं। थैंक यू सो मच सुबह स्वीट जेस्चर्स, ऑलवेज यू गाइस। सो हमारे पास बायर्न म्यूनिख की एक
एकदम एक्सक्लूसिव जर्सी आई है, विच इज आई थिंक देयर अक्टूबर फेस्टिवल जर्सी, जो वहाँ पे बहुत फेमस होता है. अक्टूबर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विद ड्रिंक्स, स्पेशली बियर्स, जर्मनी का ऑफ कोर्स. सो उन्होंने हमें एक नोट भी दिया था जो मैं अब खोल रहा हूँ. ओके डियर अभिनव, ग्रेट टू सी यू अगेन, वी लव सीइंग यू रैपिंग एफसी बायन फ्लैग इन इंडिया. मिया सान मिया एम, अरे एम यार, हाउ स्वीट. एम इज द स्वीटेस्ट, ऑलवेज स्माइलिंग, ऑलवेज एनर्जेटिक. थैंक यू सो मच एम, थैंक यू सो मच दिव्यांग, थैंक्स अ लॉट बडी हेमंत. चीयर्स. ओ उसके रिवर्स का दिखाना भूल गया था, उसके रिवर्स में पोस्ट कार्ड है मैन. इज दिस म्यूनिक? इफ दैट्स म्यूनिक, म्यूनिक आई वॉन्ट टू सी यू.